हूं, हिंदू मुस्लिम एकता मंच के अध्यक्ष आपके सामने गुफ्तगू कर रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। मंच पर उपस्थित आदरणीय एवं विजयवाड़ा नगर के भाइयों और बहनों, सबसे पहले हम एक बात साफ कर देना चाहते हैं। अभी हमने सुना शंकराचार्य, किसी भी धार्मिक मंच पर अगर कभी भी कोई भी बात गलत हो जाए तो उसको सही रूप में रखना चाहिए। यहां से कोई भी गलत बात नहीं जानी चाहिए। हम शंकराचार्य नहीं है, हमारा नाम लक्ष्मी शंकराचार्य है, तो गलत फहमी हो जाती है कि शंकराचार्य, पहली चीज। दूसरा, जमाते इस्लामी हिंद ने ये जो कार्यक्रम शुरू किया है, धर्म को जानो, अपने धर्म को जानो, अपने पड़ोसी के धर्म को जानो। आज क्या है, लोग अपने धर्म को ही नहीं जानते। हिंदू सनातन वैदिक धर्म को नहीं जानता, मुसलमान इस्लाम को नहीं जानता। जब धर्म को नहीं जानेंगे तो ईश्वर से नहीं डरेंगे, और जब ईश्वर से नहीं डरेंगे तो बुराइयां सामने आएंगी। आज धर्म को लेकर के जो तमाम तरीके की नफरत फैलाई जा रही है, उसका कारण है कि हम ना तो अपना धर्म जानते हैं और ना दूसरे का धर्म जानते हैं। ये सबसे बड़ी आवश्यकता है इस देश की। इस देश के दो सबसे बड़े समुदाय हैं, हिंदू और मुसलमान, और यही एक दूसरे के धर्म को नहीं जानते। हिंदू सोचता है कि मुसलमानों का धर्म हमारे धर्म के उल्टा है, मुसलमान सोचते हैं हिंदुओं का धर्म हमारे धर्म के उल्टा है, लेकिन ऐसी बात है ही नहीं। इस्लाम सनातन वैदिक धर्म का 7th सेंचुरी, 7वीं शताब्दी का एक नया संस्करण है, ये कोई नई बात नहीं है। एक ईश्वर की पूजा, एक ईश्वर की आराधना, सनातन वैदिक धर्म जो सनातन काल से चला आ रहा है वो इस देश में मौजूद था, वेदों में मौजूद था, उपनिषदों में उसकी व्याख्या है। आज मैंने बताया कि सबसे बड़ी आवश्यकता है आपसी एकता की। जब हम एक दूसरे के धर्म को जान लेंगे तो हम एक दूसरे को पहचान लेंगे, और जब एक दूसरे को पहचान लेंगे तो हम में आपस में प्रेम सद्भाव अपने आप पैदा हो जाएगा, और जब प्रेम और सद्भाव आ जाएगा तो हम में एकता आ जाएगी, और जब एकता आएगी, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी का सिद्धांत सबका साथ सबका विकास, इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। देश के विकास के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए, देश की अच्छाई के लिए, देश में शांति की स्थापना के लिए सबका साथ जरूरी है, और सबके साथ के लिए जरूरी है, मैं पुनः कह रहा हूं, एक दूसरे का धर्म जानने की। तो ये जो प्रयास है ये बहुत अच्छा है, और इसी के लिए मैं आज यहां पर आया हूं, कानपुर से इतनी दूर से पूरा दिन सफर करके आया। अब हम सबसे पहले इस एकता का संदेश उस योग से देना चाहते हैं जिसका नाम है जुड़ना। एकता का मतलब जोड़ और योग का मतलब जोड़। योग है क्या? परमेश्वर से जुड़ने की विद्या का नाम योग है, और उसी योग से हम हिंदुओं और मुसलमानों को जोड़ेंगे। ये भी देखेंगे साथ में कि
आज जो दो बातें फैलाई जा रही हैं, एक इस्लामिक टेररिज्म, दूसरा सैफरान टेररिज्म, तो क्या इस्लामिक टेररिज्म नाम की कोई चीज है? क्या सैफरान टेररिज्म नाम की कोई चीज है? और मीडिया में एक चीज आती है कि कट्टरपंथी समाज के लिए खतरा है। कट्टरपंथी कहते किसको है? कट्टरता अपने पंथ का, अपने धर्म का, अपने मजहब का कट्टरता से पालन करने वाला व्यक्ति कट्टरपंथी होता है। पंथ का जो कट्टरता से पालन करे, अपने धर्म के अनुसार हूबहू जैसा उसका धर्म कह रहा है उसी धर्म के अनुसार चले, वो है कट्टरपंथी। तो आप जब हम ये योग की बात बताएंगे तो आप ये देखिए कि सनातन वैदिक धर्म और इस्लाम दोनों मनुष्यों के लिए, मानवता के लिए क्या संदेश देते हैं, क्या अच्छाइयां बताते हैं, और इन अच्छाइयों का अक्षरशः पालन करने वाला कट्टरपंथी क्या देश के लिए, समाज के लिए खतरा हो सकता है? ये आप स्वयं इसका निर्णय लीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपको लगे, मीडिया को लगे कि कट्टरपंथी सबसे अच्छा इंसान होता है, तो आज के बाद से कट्टरपंथियों को समाज के लिए, देश के लिए खतरा मानना बंद कर दीजिए। और ऐसे लोग जो हैं, जो दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा, आतंकवाद को फैलाते हैं, उनको अधर्मी लिखिए। वो धर्म को नहीं जानते, जो धर्म से दूर हैं, जो अधर्म में डूबे हुए हैं, वही देश के लिए खतरा है, वही आतंकवाद फैलाते हैं, वही झगड़ा करते हैं। तो अभी हमने बताया कि योग से हम बताएंगे। योग परमेश्वर से जुड़ने की विद्या का नाम है और इसकी आठ सीढ़ियां हैं, इसीलिए इसको अष्टांग योग कहते हैं। वो आठ सीढ़ियां हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये आठ सीढ़ी है परमेश्वर से जुड़ने की। पहली सीढ़ी क्या है? यम। ये यम जो है, ये मनुष्य बनने की शर्त है। अगर ईश्वर से जुड़ना है तो ऋषियों ने कहा है कि सबसे पहले मानव बन जाओ, इंसान बन जाओ, तभी ईश्वर से जुड़ोगे। क्योंकि ईश्वर से जानवर नहीं जुड़ते, पक्षी नहीं जुड़ते, ईश्वर से मनुष्य जुड़ता है। तो सबसे पहले मनुष्य बन जाओ। तो मनुष्य बनने की यम में दस शर्तें बताई गई है। वो दस शर्तें क्या हैं? अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, ब्रह्मचर्यम, दयार्जवम, क्षमा, धृतिर, मिताहारा, शौचम, चयु, यमा, दश। ये जाबाल उपनिषद में ये दस शर्तें बताई गई हैं मनुष्य बनने की। तो इन दस शर्तों को जो बताया गया है, इनको हम इस्लाम से देखेंगे, इस्लाम की नजर से। हम सनातन वैदिक धर्म की नजर से इस्लाम को देखेंगे, वेद की नजर से, उपनिषद की नजर से, गीता की नजर से इस्लाम को देखेंगे, योग की नजर से इस्लाम को देखेंगे। तो अब पहली शर्त क्या बताया? अहिंसा। सनातन वैदिक धर्म के हिसाब से अहिंसा परमो धर्म, सबसे बड़ा धर्म अहिंसा है। कुरान इसमें क्या कह रही है, इस्लाम क्या कह रहा है? इस्लाम के बारे में जो हम बोलेंगे वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलेंगे। इस्लाम का मतलब क्या है? कुरान में अल्लाह ने क्या आदेश दिया और कुरान जिन पर उतरी, यानी इस्लाम के अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा और क्या किया, आपकी कथनी और करनी और अल्लाह के आदेश, यही कुरान, यही इस्लाम है। तो हम जितनी भी बात करेंगे इसी की कसौटी पे कसेंगे। पहला अहिंसा सनातन। तो अगर इंसान इंसान तभी कहलाएगा जब वो अहिंसक होगा, अहिंसा का पालन करेगा, मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा का पालन करेगा, यानी मन से, वचन से और कर्म से किसी को किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, वही इंसान कहलाएगा।
अब देखिए क्या कुरान में ऐसा है। कुरान में अल्लाह का हुक्म, ईश्वर का आदेश है, यही एक एक करके हम लेंगे। पहले मन से हिंसा, कुरान मजीद के सूरह 28 आयत नंबर 83 में है, ऐ दुनिया के लोगों, अल्लाह वादा कर रहा है कि आखिरत यानी जन्नत का घर हम उन लोगों के लिए विशेष कर खास तौर पर सबसे पहले देंगे जो धरती में जुल्म और फसाद करने का इरादा नहीं रखते, जो अपने मन में भी नहीं सोचते धरती में जुल्म और फसाद करने के लिए, टेररिज्म के लिए, लोग दंगा फसाद के लिए, जो मन में भी नहीं सोचते, अल्लाह उनको सबसे पहले जन्नत देगा। ये मन से हिंसा है। अब इससे बड़ी चीज एक मुसलमान के लिए कोई नहीं हो सकती। अल्लाह के हुक्म से बड़ी चीज एक मुसलमान के लिए कोई नहीं। अल्लाह का हुक्म यह है कि मन से अहिंसा रखो। अब वचन से हिंसा, कुरान मजीद की सूरह 41 आयत नंबर 34 में है, भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सत्य बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी, अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। कितनी अच्छी बात, कितना अच्छा आदेश कि एक मुसलमान के लिए हुक्म है कि अगर उसको कोई गाली दे, कोई उससे झगड़ा करे, कोई उससे कड़ाई से बदतमीजी से बात करे, तो मुसलमान के लिए हुक्म है कि वो उसका जवाब उस तरीके से न दे, बदला न ले, वो उसका जवाब इतने अच्छे तरीके से दे कि वो उसका दिल जीत ले और उसकी दुश्मनी को दोस्ती में बदल दे। ये वचन से हिंसा। और कर्म से हिंसा, कुरान मजीद के सूरा 5 आयत नंबर 32 में है, जिस किसी ने एक निर्दोष का कत्ल किया तो मानो उसने सारे इंसानों का कत्ल कर दिया, और जिस किसी ने एक निर्दोष को बचाया तो मानो उसने सारे इंसानों को बचा लिया, सारे इंसानों को जीवन दे दिया। कैसा हुक्म है? इसके बाद क्या मैसेज है पूरी दुनिया में कि इस्लाम का मतलब है कि किसी भी गैर मुस्लिम की गर्दन पकड़ो और छुरी चला दो। अगर वो गैर मुसलमान है तो गर्दन में छुरी चला दो। ये वैसे है, क्यों है? कुरान में तो ये दिया हुआ है। तो जब कुरान में ये है तो यही इस्लाम है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसका अपना इस्लाम है, वो अल्लाह का इस्लाम नहीं है। अब यहां बात वही आ रही है, जो गैर मुस्लिम भाई हैं वो ये सोचेंगे कि जब अहिंसा है इस्लाम में तो ये जिहाद क्या है। जिहाद को समझने के लिए हम महाभारत की ओर चलेंगे। महाभारत दो पक्ष के बीच हुआ था, कौरव और पांडव। कौरव 100 भाई थे, पांडव 5 भाई थे। कौरवों ने पांडवों के राज को छल से ठग करके छीन लिया। जब राज चला गया तो तरह तरह की पंचायत बैठी, लोगों को डाला गया, लेकिन उन लोगों ने मानने से मना कर दिया। जो कौरवों के सबसे बड़े भाई थे दुर्योधन, उन्होंने मना कर दिया, कहे नहीं हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम नहीं वापस करेंगे। तो कौरवों के जो पिता थे वालिद, उनका नाम धृतराष्ट्र था, धृतराष्ट्र के पास गए पांडव और बताया इस तरीके से हमारे साथ इन लोगों ने धोखा किया है। उन्होंने कहा भाई हम नहीं जानते, दुर्योधन जानते। पुत्र के मोह में उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। जब सारी बातें, कोई भी बातें मानने से मना कर दिया, रास्ते सारे बंद हो गए, तो आखिरी प्रयास किया गया। श्री कृष्ण जी के साथ पांडव गए और दुर्योधन से कहा गया कि ये 5 पांडव हैं, इनको दाल रोटी चलाने के लिए, भोजन करने के लिए 5 गांव दिए, ये लड़ाई नहीं चाहते। तो दुर्योधन ने कहा 5 गांव तो बहुत बड़ी बात,
सुई की नोक के बराबर भी अगर जमीन लेनी है तो युद्ध करो, जंग करो। तो अन्याय और अत्याचार को रोकने के लिए जब सारे रास्ते बंद हो गए, केवल एक ही रास्ता बचा, युद्ध, तो इस तरीके का जो युद्ध होता है वो धर्मयुद्ध होता है। तो धर्मयुद्ध के लिए जब दोनों सेनाएं खड़ी हो गई आमने सामने, तो जो पांडवों में जो अर्जुन थे, जो बड़े तीरंदाज थे, अर्जुन ने देखा कि हमारे सामने हमारे चचेरे भाई हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे ताए चाचे दादे, ये सारे के सारे लोग अपने हैं और इन्हीं से हमको लड़ना है। एक राज के लिए हम इन लोगों को मारे ये ठीक नहीं है। उन्होंने धनुष मार रख दिया, तीर और धनुष रख दिया, कहा नहीं हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम भूखे रहेंगे, भीख मांग लेंगे, लेकिन नहीं लड़ेंगे, हम इनको नहीं मारेंगे। तब ईश्वर का आदेश आया कि यद्रिच्छया चोपमन्नम स्वर्ग द्वारम पावृतम सुखिना क्षत्रिया पातभन्ते युद्ध मीदृशम। अय अर्जुन, ये जो तेरे सामने जो ये सारे के सारे लोग खड़े हैं, ये न तेरे ताए हैं, न चाचे हैं, न भाई हैं, न गुरु हैं, ये इस समय या तो अन्यायी हैं अथवा अन्यायियों का साथ देने वाले हैं, और इसलिए इनसे लड़ना तेरा कर्तव्य है। और इस तरीके के स्वर्ग के खुले हुए दरवाजे के समान युद्ध को, जंग को किस्मत वाले योद्धा, किस्मत वाले लड़ाके ही पाते हैं। अथ चेत त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं अवाप्स्यसि। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त संग्राम को, इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा, तो अपने धर्म, जो तेरा धर्म है अन्याय और अत्याचार को समाप्त करना, इस धर्म को तू खो देगा, और जो तेरा नाम है कि तू बड़ा वीर है, लोग तुझे कायर कहेंगे और तू पाप को प्राप्त होगा। हतो वा प्राप्स स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसे महीम तस्मा दुत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय निश्चया। इसलिए अय अर्जुन, तू अगर इस युद्ध में मारा गया तो तू स्वर्ग जाएगा, और अगर जीतेगा तो इस पृथ्वी का भोग करेगा, इसलिए युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। ये आया अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध लड़ने के लिए ईश्वर का आदेश श्रीमद् भगवद गीता में। ठीक इसी तरीके से हमने इसलिए बताया कि इस देश में ये लोग समझ लें कि जैसे श्रीमद् भगवद गीता का पवित्र धर्म युद्ध था, वैसे ही पवित्र जिहाद भी है, जिसके बारे में गलतफहमी है। इसी तरीके से जब मक्का में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संसार के सबसे बड़े सत्य, वो संसार का सबसे बड़ा सत्य, सार्वभौमिक सत्य को बता रहे थे, ला इलाह इल्लल्लाह, परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है, तो उनके इस सत्य को उनके ही भाई बंधु, वहां हिंदू नहीं थे, उनके ही भाई बंधु, उनके परिवार के लोगों ने ही मानने से इनकार कर दिया। क्यों? कुरैश जो उनके भाई बंधु थे, वो अपनी ताकत और पैसे के नशे में चूर थे, घमंड में चूर थे, और जब घमंड होता है तो विवेक नष्ट हो जाता है, और जब विवेक नष्ट हो जाता है तो सच्चाई और सत्य और असत्य, अच्छा और बुरा, इसमें आदमी फर्क नहीं कर पाता। मक्का के कुरैश हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए सत्य कि ला इलाह इल्लल्लाह, इस सत्य को समझ नहीं सके और आपके दुश्मन हो गए। आपको तरह तरह से सताया गया, आपके ऊपर ईंटा पत्थर फेंके गए, आपको जान से मारने की कोशिश की गई, अपमानित किया गया, आपके अनुयायियों को भूखा प्यासा अरब की तपती रेत पर लिटाया गया, और ये भयानक अत्याचार 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, लगातार 13 सालों तक चलता रहा। लेकिन धन्य है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि सब्र करो, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। और आप मक्का से मदीना चले गए, वहां जब मदीना चले गए उसके बाद भी षड्यंत्र होता रहा, उस शांति की स्थापना के लिए, बुराई से को दूर करने के लिए आपने समझौता किया हुदैबिया में,
उस समझौते को करके गिर करके समझौता किया कि शांति स्थापित हो जाए, किसी तरह शांति स्थापित हो जाए, लेकिन उस समझौते को भी तोड़ दिया गया। देखिए जैसे उधर महाभारत में हर दल जैसे महाभारत काल में हर तरीके के प्रयास को असफल कर दिया गया, वैसे ही हर तरीके का प्रयास मक्का में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, मदीना में किया, लेकिन सारे प्रयास जब असफल हो गए तब एक ही रास्ता बचा, युद्ध का, जंग का। तब अल्लाह की ओर से आदेश आया कुरान मजीद के सूरह 22 आयत 39 में, जिन मुसलमानों से खामखा लड़ाई की जाती है उनको इजाजत है कि वे भी लड़े, क्योंकि उनके साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन ये आदेश किसी इंसान का नहीं था, ईश्वरीय आदेश था, धर्म का आदेश था। और जो धर्म का युद्ध होता है, जो धर्म युद्ध होता है, वो मर्यादित होता है। ये नहीं है कि जो चाहो सो करो। तुम इस युद्ध को धर्म युद्ध बनाने के लिए, मर्यादा में बांधने के लिए दूसरा आदेश मौजूद था सूरा 2 आयत नंबर 190 में, कि जिन और जो लोग तुमसे लड़ते हैं तुम भी खुदा की राह में उनसे लड़ो, मगर ज्यादती न करना कि खुदा ज्यादती करने वालों को नापसंद करता है। यानी अपने को बचाने के लिए, सत्य को बचाने के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए किए गए युद्ध में भी मर्यादा रहनी चाहिए, ज्यादति न होनी चाहिए। अगर ज्यादति हो गई तो अल्लाह नाखुश हो जाएगा। ये है पवित्र जिहाद, जैसे श्रीमद् भगवद गीता का धर्म युद्ध। और पूरी दुनिया में इस पवित्र जिहाद को, जो अन्याय और अत्याचार का विरोध करने के लिए आया, जो अन्यायियों और अत्याचारियों का को रोकने के लिए आया, जो आतंकवाद को समाप्त करने के लिए आया, उसको आतंकवाद से जोड़ा गया। लेकिन क्यों? क्या इसमें केवल मीडिया की गलती है या गैर मुस्लिमों की गलती है? नहीं, कुछ मुसलमानों का अमल उल्टा हुआ, जैसा देखा वैसा लोगों ने समझा। तो कुछ लोगों के अमल की वजह से इस्लाम को यह नुकसान हुआ, इतने पवित्र जिहाद को लोगों ने टेररिज्म बता दिया। भाई तो मौका, कुछ लोगों को मौका मिल जाए तो ले उड़ेंगे, कुछ लोग तो गलत फहमी की वजह से बोले और कुछ लोग मौका पा करके ले उड़े, तो गलती किसकी है? तो अब हमने अहिंसा पर बताया, अब दूसरा क्या है? दूसरी शर्त है सत्यम। वो व्यक्ति मनुष्य कहलाने का अधिकारी है जो सत्य को माने। संसार का सबसे बड़ा सत्य क्या है? संसार के सबसे पुराने ईश ग्रंथ ऋग्वेद के मंडल 1:7 का 10वां मंत्र है, इंद्रम वो विश्व तस्परी हवा महे जनेभ्या अस्माकम अस्तु केवलः। ऐ मनुष्यों, तुमको अत्यंत उचित है कि मुझ परमेश्वर को छोड़कर किसी दूसरे देव को मत मानो, क्योंकि पूजा करने योग्य मुझ परमेश्वर को छोड़कर दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। ऋग्वेद के इस मंत्र को जब संक्षेप करेंगे तो इसका मतलब है ईश्वर के सिवा कोई पूज नहीं है। और इसका अरबी अनुवाद है ला इलाहा इल्लल्लाह। ये संसार का सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। इस सत्य को मानना मनुष्य बनने के लिए आवश्यक। अब जरा थोड़ा सा अब देखिए कि एक मनुष्य की औकात ईश्वर की रचना में क्या है, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि बहुत से लोग दावा कर देते हैं कि हम ईश्वर हैं। यहां दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो कह देते हैं हम ईश्वर हैं, भगवान हैं। तो क्या ये सही है? इसके लिए हम ईश्वर की रचना से अपनी तुलना करेंगे, आप सबकी तुलना करेंगे। ये जो हमारा सूर्य है ये एक तारा है, और ये हमारी आकाशगंगा जिसको गैलेक्सी कहते हैं मिल्की वे, इस आकाशगंगा का एक तारा है,
और इस मिल्की वे इस गैलेक्सी में लगभग 200 अरब तारे हैं, यानी 200 अरब सूर्य हैं हमारी मिल्की वे, और ये सूर्य हमारे सूरज से भी हजारों गुना बड़े हैं। तमाम सूर्य ऐसे करोड़ों सूर्य हैं जो हमारे सूरज से भी बड़े हमारे गैलेक्सी में, और ऐसी गैलेक्सी ही ब्रह्मांड में अरबों अरबों गैलेक्सी है। अब आप समझ लीजिए, अब इसकी हम इसका उदाहरण देंगे कि इस हमारी धरती में, इस पृथ्वी में धूल के जितने कण हैं उनको गिन लीजिए, इससे भी अरबों गुना ज्यादा तारे ब्रह्मांड में मौजूद है, सूरज ब्रह्मांड में मौजूद है। और इसकी लंबाई क्या है? अभी तक जो सबसे दूर गैलेक्सी, ये हम इसलिए सुनना जरूरी है, बताना जरूरी है कि इंसान की क्या हैसियत है ईश्वर के सामने, ये एकदम सीधा शीशे की तरह समझ में आ जाएगा। तो जो सबसे दूर गैलेक्सी है, जो देखी गई है नहीं देखी गई है, इससे भी बहुत आगे जो अभी तक देख पाए हैं हम, वो 13 अरब 60 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। अब ये प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश यानी लाइट की चाल, उजाले की चाल 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है, 1 घंटे में 1 अरब 8 करोड़ किलोमीटर, 1 अरब 8 किलोमीटर 8 करोड़ किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, 1 दिन में 25 अरब 92 करोड़ किलोमीटर जाता है, और 1 साल में 9,460 अरब 80 करोड़ किलोमीटर जाता है 1 साल में। तो 1 साल में इस चली हुई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश 1 साल लगातार चलता रहे और जो दूरी तय करे वो 1 प्रकाश वर्ष दूरी है, क्योंकि इतनी लंबी दूरी होती है इसलिए प्रकाश वर्ष दूरी। तो 1 प्रकाश वर्ष दूरी का मतलब है 9,460 अरब 80 करोड़ किलोमीटर, और जरा ये समझिए है कितना। आज 1,000 किलोमीटर की रफ्तार से भी कोई हवाई जहाज नहीं चलता, ज्यादा से ज्यादा 900 किलोमीटर, 1,000 किलोमीटर भी मान ले सीधा सीधा, तो इस चाल से चलने में धरती यानी पृथ्वी के एक भाग से दूसरे भाग पहुंचने में कुछ घंटे हमको लगते हैं, कुछ घंटे में हम धरती में कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन अगर हमको हम एक ऐसे जहाज में बैठ जाएं जो लगातार चलता रहे, तो उस जहाज को 1 प्रकाश वर्ष दूरी चलने में कितना टाइम लगेगा? 10,80,000 साल। 10,80,000 साल लगातार जब चलता रहे वो जहाज 1,000 किलोमीटर की रफ्तार से बिना रुके, तब 1 प्रकाश वर्ष दूर पहुंचेगा। और दूरी कितनी बताई हमने? 13 अरब 60 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर तक देखा गया है। हमारी जो गैलेक्सी है वो 1 लाख किलोमीटर मोटाई में, 1 लाख किलोमीटर, और एक हमारी ही गैलेक्सी पार करने में हमको कितना टाइम लगेगा? 108 करोड़ साल, 108 करोड़ साल इस चाल से चलने। क्या अस्तित्व है हमारा इस तमाम ब्रह्मांड में? इस पृथ्वी का अस्तित्व शून्य की तरह है, जीरो की तरह, इस पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड में। तो उसके बाद फिर एक इंसान की क्या हैसियत है? जब पृथ्वी का अस्तित्व ही शून्य की तरह है, जीरो की तरह, तो इंसान की कोई हैसियत नहीं। कोई इंसान अगर दावा कर दे कि सारे ब्रह्मांड के रचयिता हम हैं, तो इससे बड़ी हंसी की बात कोई नहीं हो सकती। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि परमेश्वर अनंत है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत् समश्चाभ्यतिगस्य दृश्यते। वो उसके न तो शरीर है न इंद्रियां हैं, उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, खाने पीने कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, और उसके समान अथवा उससे बढ़कर भी कोई दिखाई नहीं देता। वो अनंत है क्योंकि उसकी रचना अनंत है। ये है परमेश्वर, ये है सत्य, ईश्वर का सत्य, ये आध्यात्म। तो इस सत्य को मानने वाला व्यक्ति इंसान कहलाएगा, अहिंसा सत्यम
अस्तेयम। अगली शर्त तीसरी शर्त है कि उसको किसी भी चीज पे आसक्ति नहीं होनी चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए। कुरान मजीद, अब देखिए कुरान में क्या दिया हुआ है, ये तो सनातन वैदिक धर्म का बताया। अब कुरान में, कुरान मजीद के सूरा 3 आयत नंबर 14 में है कि लोगों के लिए मनपसंद चीजें, औरतें, औलाद, सोने चांदी के ढेर, चुने हुए घोड़े, मवेशी और खेती की जमीनें बड़ी सुहावनी मालूम होती है, बड़ी अच्छी मालूम होती है, मगर ये चंद दिनों की दुनियावी जिंदगी के सामान है। सच तो ये है कि जो सबसे अच्छा ठिकाना है वो तो अल्लाह के पास है। ये मोटर गाड़ी, पैसा, खेती, ये सारी चीजें आवश्यकता है, जरूरत है जीने के लिए, लेकिन ये अंतिम नहीं है। अंतिम आपके लिए, अंतिम सफलता क्या है? अंतिम सफलता आपके लिए है मानवता, अच्छे काम, और आप आखिरत यानी जन्नत, मुक्ति। और जन्नत और मुक्ति क्या है? जन्नत और मुक्ति बिना अच्छा काम, कहते हैं दुनिया भी जो जन्नत का रास्ता है वो दुनियावी जिंदगी से होकर के जाता है। एक ईश्वर की पूजा मैंने अगर मुक्ति पाने का, जन्नत जाने का दरवाजा है, तो उस दरवाजे तक जाने का रास्ता इंसानियत है, अच्छे काम है, अच्छा आचरण। जब आपका अच्छा आचरण होगा तभी आप मुक्ति और जन्नत के दरवाजे के पास तक पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये गीता और कुरान कह रही है। उदाहरण दे दे, अनाशितः कर्म फलम कार्यम कर्म करो दिया ससन्यासी च योगी चरण निरग्नि चाक्रिया। गीता में है कि जो लोग अब कर्मों के फल, जो काम करते हैं उसका जो फल की इच्छा नहीं रखते, और फल की इच्छा न रखने वाले जो काम करते हैं वही सन्यासी हैं, वही योगी हैं, यानी वही मुक्ति पाने के हकदार हैं, वही जन्नत जाने के हकदार हैं। और जो लोग अग्नि का त्याग कर देते हैं, यानी गेरुआ पहन लिया मेरी तरह, वो सन्यासी नहीं है। जो समाधि ले लिया वो योगी नहीं है। ऐसे लोग जो अच्छा काम नहीं करते, जो अच्छा आचरण नहीं करते, वो लोग चाहे जो कुछ करें वो मुक्ति नहीं पाएंगे, जन्नत नहीं जाएंगे। कुरान मजीद के सूरा 2 आयत नंबर 112 में है, जिन लोगों ने अपने आप को अल्लाह को समर्पित कर दिया, यानी जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। शर्त क्या है? फिर शर्त लगा दिया, ये जन्नत का दरवाजा। अब जन्नत दरवाजे तक जाने का रास्ता भी कुरान ने बता दिया कि जिन लोगों ने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया और दुनियावी जिंदगी में उसका काम भी अच्छे से अच्छा हो, तो उसका बदला उसके परवरदिगार के पास है। ऐसे लोगों को आखिरत में न तो किसी तरीके का डर होगा, न दुख होगा, यानी वो जन्नत जाएंगे जो अच्छा काम करेंगे दुनियावी जिंदगी में। तो अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, अब ब्रह्मचर्य। अगली शर्त रखाई गई है, रखी है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी होना चाहिए, जो ब्रह्मचारी है वही मनुष्य है। यहां थोड़ी गलतफहमी है, ब्रह्मचारी को लोग सोचते हैं कि शादी ना करो ब्रह्मचारी, ऐसा नहीं है। ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं कि शादी ना करो, अगर शादी नहीं करेंगे तो सृष्टि कैसे होगी? सब लोग बिना शादी, अगर यही हो कि भैया हमें मनुष्य बनना है, शादी नहीं करेंगे, तो फिर कैसे ये सृष्टि कैसे आएगी? शादी न करना ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य क्या है? अपनी पत्नी, बीवी को छोड़कर दुनिया में जितनी भी महिलाएं हैं उनको अपनी माँ, बहन, बेटी समझना, ये है ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए, इस ब्रह्मचर्य को पालन करने के लिए साफ साफ कुरान में अल्लाह का आदेश है। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने अभी तक ये देखा कि अगर कोई महिला है उसके सामने पर पुरुष, दूसरा पुरुष, दूसरा मर्द आ जाए तो उसको हया में, लज्जा में, लगने की शक्ति रखती है। लेकिन इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है कि अगर किसी औरत के सामने कोई पराया मर्द आ जाए तो नजरें नीची करे,
और अगर किसी मर्द के सामने पराई औरत आ जाए तो वो भी नजरें नीची करे। कुरान मजीद के सूरह 24 आयत नंबर 30 में अल्लाह का हुक्म है कि ऐ मोहम्मद मोमिनों से कह दो कि वे अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत मर्यादा में रहे, पराई औरत को देख करके मर्यादा में रहे और अपनी निगाहें झुका करें। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है ब्रह्मचर्य के लिए? ऐसे ब्रह्मचर्य का आदेश कुरान में मौजूद है। तो हर जो सनातन वैदिक धर्म में मनुष्य बनने की शर्तें हैं वो सारी की सारी शर्तें इस्लाम में भी वैसे ही मौजूद हैं। कोई चीज हम अपने मन से नहीं बता रहे, सब या तो कुरान से बता रहे हैं या हदीस से बताएंगे या सीरत से आपकी कथनी और करनी से बताएंगे। तो अहिंसा सत्यम असत्यम ब्रह्मचर्यम दयालुम। और अब अगली पांचवी शर्त क्या है कि जो व्यक्ति दयालु नहीं है, जिसमें दया नहीं है, वो मनुष्य नहीं है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह का आदेश आया कि कुरान मजीद के सूरा 21 आयत नंबर 107 में, ऐ मोहम्मद हमने तुमको सारी दुनिया के लिए दयालु बना करके भेजा है, सारी दुनिया के लिए। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरी। हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों को बता दें कि जो कुरान है ये समय कम है, हम अपनी बात को थोड़े ही शब्दों में खत्म करते हैं। तो अहिंसा सत्यम अस्तेयम ब्रह्मचर्यम दयालुम दयालुम। तो एक जो लय होती है टूट जाती है। दयालुता हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अनुयायी ने आपसे कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल अपने विरोधियों को बद्दुआ दीजिए। आपने कहा कि खबरदार जोश में होश कायम रखो, मुझे दुनिया में बद्दुआ देने के लिए नहीं दयालुता के लिए भेजा गया। ऐसे एक बद्र की लड़ाई जैसा कि मैंने ये इस्लाम का अध्ययन मैंने इसलिए किया कि बिना अध्ययन के हम इस्लाम को बता नहीं सकते, और जो हम नहीं बताएंगे तो इस्लाम की अगर हम बताते हैं स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य अगर इस्लाम की तारीफ करते हैं तो एक एक मुसलमान बच्चा गर्व से ये कहेगा कि इस्लाम में शांति है, दया है, सद्भावना है, नरमी है, और यही है टेररिज्म को रोकने का पॉजिटिव रास्ता। इसलिए मैंने इसको बताना शुरू किया। तो बद्र की लड़ाई में 73 कैदी लाए गए, उनको मस्जिद नबी में बांध दिया गया, और बांधने के बाद सब लोग सो गए। रात में एक आपका अनुयायी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनुयायी उठा, उसने देखा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैनी से टहल रहे हैं मस्जिद नबी में। आपने पूछा ऐ अल्लाह के रसूल आपने आराम नहीं किया? आपने कहा कि मुझे इन कैदियों का दुख नहीं देखा जा रहा, ये कैदी इतना कस के बंधे कि ये नहीं सो पा रहे तो मैं कैसे सो सकता हूँ। ये है इंसानियत। आपकी इच्छा जान के कैदियों के बंधन ढीले किए गए, तब आप सोए। अहिंसा सत्यम अस्तेयम ब्रह्मचर्यम दयार्जवम। आज हम नरमी होना चाहिए। अभी हमने बताया कि भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में दुश्मनी थी अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरी, उतरने के बाद आपके दिल में उतर गई, दिल में उतरने के बाद आपके कर्मों में उतर गई, आपके एक एक कर्म अल्लाह के आदेश के अनुसार हुए।
आप एक बुढ़िया माई आपके रास्ते पर जो जिस रास्ते से आप जाते थे रोज कूड़ा फेंकती थी, एक दिन कूड़ा नहीं फेंका, दूसरे दिन नहीं फेंका, तीसरे दिन नहीं फेंका। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि बुढ़िया माई कहीं बीमार तो नहीं हो गई। आप ऊपर चढ़ के गए, आपने आवाज दी, माई माई। बुढ़िया माई ने पूछा कौन? आपने कहा मैं मोहम्मद। इतना सुनना था कि बुढ़िया माई बहुत जोर से नाराज हुई, अरे मोहम्मद यहाँ कैसे आए? आपने बहुत ही नरमी से जवाब दिया, माई आपने 3 दिन से मेरे ऊपर कूड़ा नहीं फेंका, मैंने सोचा कहीं आप बीमार तो नहीं हो गई, मैं आपको देखने चला आया। इतना सुनना था कि बुढ़िया माई फूट फूट कर रोने लगी, बोली अरे मोहम्मद आप कितने अच्छे हो, मैं कितनी बुरी हूँ, मैं आपके ऊपर रोज कूड़ा फेंकती थी और आप मेरा हाल लेने आए हो। और वो बुढ़िया माई अंतिम समय आपकी अनुयायी बन गई, भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सत्य बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। कुरान मजीद के सूरा 25 आयत नंबर 68 में है कि अल्लाह के बंदे वही हैं जो नरमी से चलते हैं, और जाहिल लोग उनसे जिहालत की बातचीत करें तो कह देते हैं तुमको सलाम। तो ये अल्लाह के इस हुक्म के अनुसार मुसलमानों को ऐसे जाहिलों को सलाम कह देना चाहिए जो दंगा फसाद की बात करते हैं, जो नरमी से दूर रहते हैं। हम मैंने बताया कि नरम वो जो अल्लाह का बंदा है वो नरमी से चलता है। तो अगर कोई भी दंगा फसाद की बात करता है, कोई लड़ाई झगड़े की बात करता है, तो मुसलमान के लिए अल्लाह का हुक्म है उसको सलाम कहे, कहे मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आप दुनिया भी बंदे हो, आप जाओ। और क्या है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सब जानते हैं कि रहते मदीना में थे, इस्लाम को शरण मदीना में मिली, लेकिन मक्का आपके दिल में बसता था, मक्का को इतना प्यार करते थे जितना किसी को प्यार नहीं करते थे, क्योंकि मक्का हम वतन था, जन्मभूमि थी। इसलिए जो लोग कहते हैं, कौन क्या कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह इंशा अल्लाह, ये लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिखाए रास्ते के ठीक उल्टा बोल रहे हैं, ये कुरान के रास्ते के उल्टा बोल रहे हैं। ऐसे लोगों को मुसलमान सलाम कर ले। और अहिंसा सत्यम अस्तेयम ब्रह्मचर्यम दयार्जुन क्षमा धृतिर, और धीरज। अंतिम बात हम बता रहे हैं कि एक इंसान को धैर्य रखना चाहिए। और कुरान में क्या है, बहुत बड़ी बात इसमें कुरान में दी हुई है, इससे बड़ी बात और कहीं नहीं। कुरान मजीद के सूरा 2 आयत नंबर 153 में है कि ऐ ईमान वालों धैर्य यानी सब्र और नमाज से मदद लिया करो, धैर्य और नमाज से मदद लिया करो, निसंदेह अल्लाह धैर्य रखने वाले सब्र रखने वालों के साथ है। जो लोग सब्र रखेंगे, जो लोग धैर्य रखेंगे, अल्लाह उनकी मदद करेगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुनिया का सबसे बड़ा अत्याचार, सबसे लंबे समय तक चला अत्याचार मक्का में हुआ, लेकिन इसके बाद भी सब्र रखा, अपने साथियों से कहा सब्र रखो, सब्र रखने वालों के साथ अल्लाह है। जिसका परिणाम क्या हुआ, सफलता मिली, ऐसी सफलता मिली कि मक्का बिना तलवार निकाले, बिना एक बूंद खून बहाए फतेह हो गया, क्योंकि अल्लाह का साथ था सब्र रखने वालों के साथ। बात और थोड़ी आगे थी लेकिन समय कम है, इसलिए हम इसको यही छोड़ते हैं। अंत में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हम सबको बुराइयों से दूर रखे, बुरे रास्ते से दूर रखे, अच्छा रास्ता दिखाए। ओम शांति ही शांति ही शांति। जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह खैर। ये हिंदी प्रसंगानिकि तेलुगु अनुवादम ब्रदर सिद्दीक भीमारों गारु अनुवादिस्तारु। दानिकन्ना मुंदु जनाब अब्दुल जब्बार गारु इंपीरियल तस्गा इस्लामी वैस्पर्जेंट गारु वेदिक